मेरे प्यारे मित्रों, अब हम शुरू करते हैं हमारे बाजू और मलकेड़ा में बाबा जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से। जय हो बाबा जगन्नाथ जी। अब इसके जस्ट पीछे देखिए आप, ये एक जो होर्डिंग है पताका की तरह लहरा रहा है। ये आप ये ना सोचें कि ये कोई नई टेक्निक है साहब, इसमें जो आपके जो मार्केटिंग के लिए हम कुछ आपने पोस्टर या फ्लैक्स बैनर टांग रखा है तो हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो लहलाएगा और लोगों के तो आकर्षित करेगा। ऐसा नहीं है, इसका एक विभत्स रूप हम आपको थोड़ी दूर जाके आगे जाके दिखाएंगे। तो जैसे ही गर्मियों का आगाज होता है भाई साहब, देखिए आप पेड़, ये राजस्थान है, राजस्थान के दूर दूर से लहलाते देख सकते हैं आप। और साइकिलिंग के समय जो आपके चेहरे पे जो हवा पड़ती है ना, उससे आपको क्या सुकून प्राप्त होता होगा, आप एहसास कर सकते हैं इस चीज़ का। यह सीधे लगे हुए होर्डिंग है, अब देखते हैं आगे क्या मिलती है होर्डिंग्स की सिचुएशन। अब यह देख सकते हैं एक होर्डिंग लटक के बिजली के तार पे आ चुका है, बिजली के तार पे है ये आ चुका, हुआ करता था कभी एक फ्लैक्स बैनर। तो ये हालत है होर्डिंग्स की। ये सही है, देखिए मेन हाईवे सर्विस रोड और मेन हाईवे से काफ़ी दूर है ये होर्डिंग। यह देखिए एक और विशाल होर्डिंग, बिल्कुल ये जम के खड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसके सामने आप देख सकते हैं आधा होर्डिंग गायब है ऊपर से। ये हिसार 16 किलोमीटर का माइलस्टोन आ गया है। यह देख सकते हैं लोहिया रिजॉर्ट आ गया, इसके जस्ट आगे एक होर्डिंग लगा हुआ लोहिया रिजॉर्ट, परचम लहरा रहा है इसका भी, इसका परचम स्थिर है। अब लहराते हुए परचम आगे दिखाएंगे आपको। यह देखिए इस पर लहरा रहे परचम, थोड़ा जूम करते हैं इससे दिखेंगे आपको परचम लहराते हुए। तो होर्डिंग कम है, ये परचम की स्टेज में पहुंच गया है। वाह, एक छोटा सा होर्डिंग देवालय ई लर्न। ये सम्राटल हॉस्टल का एक होर्डिंग दीवार पे, फिक्स दीवार पे चिपके हुए। यह शिव मंदिर का दर्शन, जय हो भोलेनाथ। ये शोभा सरिया कॉलेज और इस पे ऊपर एक होर्डिंग सीधा पीले रंग का, एक रेड कलर का होर्डिंग आप देख सकते हो, इसमें भी परचम बन गए इसके। ये धन्य हो रूफोन, रूफोन ने इसके पीछे वाले होर्डिंग को बचा रखा है। तो ये मजबूत, ये देखिए एक होर्डिंग, ये देख सकते हो आप, एक हल्का सा परचम वाइट कलर का इससे लहरा निकल के। दीनदयाल उपाध्याय शेखावाड़ी विश्वविद्यालय 9 किलोमीटर। यह हमारे राष्ट्र ध्वज लहराते हुए, जय हो हमारे राष्ट्र की, जय हो राष्ट्र ध्वज। हरियाला हरे रंग का वट वृक्ष बहुत ही विशाल। यह देखिए एक विशाल होर्डिंग से कुछ परचम लहराते हुए, परचम झंडे को कहते परचम। ये देखिए बहुत ही शानदार, आपका स्वागत है सीकर में। जैसे ही आप एंटर करते हो आपके रामू का आवास से, तो इसी प्रकार से ये होर्डिंग आपका स्वागत करेंगे। ये मैट्रिक्स का होर्डिंग, पीसीबी का होर्डिंग, और जो मतलब टूट जाता ना वो फिर परचम बन जाता है। तो मैं आपको परचम दिखाऊंगा और आगे। यह देख सकते हैं आप होर्डिंग से परचम में परिवर्तित हुए हुए, यह है वो विशाल होर्डिंग जो रात को बस के ऊपर गिरा है, देख सकते हो आप इसको। ये गिर गया क्योंकि ये होर्डिंग से परचम बन चुका था, है ना। रोडवेज बस की फ़ोटो आई है ना अखबार में, ये देखिए ये कुछ परचम, ये पेड़ों पर लटके हुए परचम, ये कुछ परचम नीचे बिखरे हुए आंधी से। ये देखिए ये एक विशाल होर्डिंग, ये भी इंतजार कर रहा है, इसके भी होर्डिंग से परचम बन चुके हैं। भाई वाहन इनसे कम से कम इनकी हाइट का अनुमान लगा के और इनकी हाइट से थोड़ा सा पीछे 1 फीट दूर रहे, मतलब आंधी अंदर के टाइम में, तो राजस्थान में ये सीज़न आता है ना इसलिए। एक ये नीचे पड़ा हुआ है, ये देख लो आप, ये तो पता नहीं हो सकता खोल के भी रखा हो, पर ये देखिए ये गिरा हुआ है, ये एक और गिरा हुआ है। लेकिन मिट्टी समेत ही बाहर आ गया भाई साहब। तो ये मिट्टी की आभा की पावर को हर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। और ये हमारी स्क्रैप, आर्मी स्क्रैप के जो कोई जिप्सी के शौकीन हो, ये नयारा पेट्रोल पंप से ले सकते हैं। एक अंतिम होर्डिंग और दिखा दूँ आपको, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये देख सकते हो आप,
ये वाला भी जो है बिल्कुल टूट फीट के नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब आंधी बहुत तेज़ आई थी। कॉन्टैक्ट फॉर दिस साइट, मतलब जो फ़ोन नंबर वाला पार्ट है ना वो तो भाई साहब बड़ा ख़तरनाक रूप से चिपकाया हुआ होता है, वो नहीं गिरता। देखो आप इसमें जो फ़ोन नंबर लगा हुआ है ना, ये वाली चीज़ नहीं गिरेगी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस साइट के लिए। तो ये था हमारा आज का होर्डिंग और परचम का सर्वे, बाबा लकड़दास जी से लेके और झुंझुनू तिराई तक। तो बाय माय डियर फ्रेंड्स।